हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले, हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। पिता सदगुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर के तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों के छांव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले, हमको हमारे मिले, आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा।
बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखें। मैं भ्रुकुटी के मध्य में चमकती हुई मणि, दिव्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। इन आंखों द्वारा देखने की शक्ति, मुख द्वारा बोलने की शक्ति, कानों द्वारा सुनने की शक्ति, मैं आत्मा हूं। मैं कभी मरती नहीं, मेरा कभी विनाश नहीं होता। मैं इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल शक्ति हूं। अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें अपने बिंदु स्वरूप पर। भ्रुकुटी में चमकती हुई मणि, मैं प्रकाश स्वरूप हूं। मैं गुणों का पुंज हूं। भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा अकाल मूरत हूं। मैं आत्मा अपने प्यारे शिव बाबा की अति लाडली संतान हूं। अब मैं एक सेकंड में
उड़ चलती हूँ अपने घर परमधाम। जहां मेरा प्यारा पिता शिव बाबा रहता है, रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु, ऐसा मेरा प्यारा पिता मेरे सम्मुख है। आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ऐसे मेरे प्यारे शिव बाबा को मैं निहार रहा हूं। शिव बाबा अपने प्रकाश की किरणों से मेरा स्वागत कर रहे हैं। बाबा के सानिध्य में मैं अपने मन को एकदम शांत अनुभव कर रहा हूं। कुछ क्षण खो जाए इस अनुभव में बाबा और मैं, दूसरा न कोई। Thank you.
मेरा प्यारा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तियों की किरणें वो मुझ पर बरसा रहा है। अनुभव करें एक एक किरण को। ये शक्तियों की किरणें बाबा से निकल मुझ आत्मा में समा रही है। मेरी सभी कमी कमजोरी को भस्म कर रही है। मैं बाबा की वो किरणें अनुभव करते मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहा हूं। हो जाए इस अनुभूति में और टिक जाए इस एक संकल्प में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
बाबा से निकली हुई सर्व शक्तियां मुझ में समा रही है। एक एक शक्ति जैसे मेरा श्रृंगार कर रही है, मैं महसूस कर रहा हूं बाबा से मिली हुई शक्तियां मेरी बाहों बन रही है। अंतर्मुखता की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, हर एक शक्ति मेरे अंदर समाकर जैसे मुझे 8 भुजाएं दे रही है। फील करें बाबा के सानिध्य में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अष्टभुजाधारी शिव शक्ति बन चुकी हूं। देखे अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र को, बाबा की शक्तियों से मैं ऐसे श्रृंगारित हुई हूं कि बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति मुझे हिला नहीं सकता। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से मैं आत्मा अब अचल अडोल शिव शक्ति बन चुकी हूं। मैं ही वो दुर्गा हूं, मैं ही वो काली हूं, मैं ही वो संतोषी माता हूं। मैं सभी कमजोरियों से मुक्त हूं। मैं स्वयं भगवान का बच्चा हूं, इसीलिए अब कोई डर नहीं।
मैं शक्तिशाली हूं। अब अपना अष्टभुजाधारी शिव शक्ति स्वरूप लेकर मैं परम धाम से नीचे उतरती हूं और ग्लोब के ऊपर विराजमान होती हूं। मैं शिव शक्ति ग्लोब के ऊपर विराजमान होते अपने सर्व भक्तों को देख रही हूं। कितने मंत्र उच्चारण, कितनी पूजा पाठ से वो मेरा आवाहन करते हैं। वो कितने शक्तिहीन हो चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा विश्व कल्याण के जिम्मेवार हूं। मेरे असंख्य भक्तों में शक्ति भरने की जिम्मेवारी स्वयं भगवान ने मुझे दी है। मैं सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब इसी स्थिति में सभी अपना वरदानी हाथ आगे करें और उसी वरदानी स्थिति में अनुभव करें। शिव बाबा से शक्ति की किरणें मुझ पर और मेरे वरदानी हाथों से विश्व की सभी आत्माओं को मिल रही है।
मेरे सभी भक्त अपने मन में शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। इस विश्व की सभी दुखी आत्माएं मेरे वरदानी हाथों से निकली हुई शक्ति की किरणें अनुभव कर रही है। उनके मन शक्तिशाली हो रहे हैं। उनके मन से डर, अकेलापन, डिप्रेशन, ये सभी मानसिक बीमारियां भस्म हो रही है। मैं अपने शिव शक्ति स्वरूप में विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान दे रही हूं। मैं शिव के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूं। विश्व की दुखी कमजोर आत्माओं को शक्ति का दान देकर अब चले फिर से परमधाम शिव बाबा के सम्मुख। बाबा की वो शक्तिशाली किरणें
मैं अपने ऊपर अनुभव कर रहा हूं। शक्तियों के साथ बाबा मुझ में अनेक गुण भी भर रहे हैं। ये गुण मेरा श्रृंगार है। जैसे बाबा एक एक गुण मुझ में भरता जाता, वैसे मेरे सभी अवगुण भस्म हो रहे हैं। ये अवगुण ही मेरे विघ्नों का कारण है। तो बाबा के सानिध्य में अपने में गुण और शक्तियां अनुभव करते मैं विघ्न विनाशक बन रहा हूं। ये विघ्न मेरे कमजोर मन की रचना है। इसीलिए बाबा के सानिध्य में अपने मन को शक्तिशाली बनाते मैं अब विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित हो जाता हूं। मैं शिव की संतान, विघ्न विनाशक गणेश हूं। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं।
मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं। अब इसी पूज्य स्वरूप में मैं आत्मा इस धरती पर अवतरित होता हूं। और अपने मंदिरों में अपने भक्तों के सामने अपने आप को अनुभव करता हूं। देखे भक्त कितनी श्रद्धा भाव से मेरा आवाहन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, इस विघ्न विनाशक गणेश के रूप में। शिव बाबा से मिले हुए गुण और शक्तियों से मैं विघ्न विनाशक बन चुका हूं। इसीलिए अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे असंख्य भक्त जो मेरे सम्मुख हैं, उन्हें भी मैं ये विघ्न विनाशक का वरदान देता हूं। संकल्प करें, हे मेरे मीठे भाई और बहनों, आप भी शिव पिता की संतान हो। आप भी बहुत शक्तिशाली हो। आपका हमेशा कल्याण होता रहे। आपके जीवन से हर विघ्न नष्ट हो जाए। आप भी अपने शिव पिता को पहचाने और अपने अंदर वो शक्तियों का प्रवाह अनुभव करें। यही मेरी आपके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना है।
मैं अपने गणेश स्वरूप में अपने वरदानी हाथों द्वारा सभी भक्तों को विघ्न विनाशक भव का वरदान दे रहा हूं। और विजुलाइज कर रहा हूं उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ रही है। उनके जीवन से सभी विघ्न दूर हो रहे हैं। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं। मैं जहां भी जाता, जिनसे भी बात करता, उनके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। मैं असंख्य भक्तों को विघ्न विनाशक भव का वरदान देते। अब एक सेकंड में फिर से चलता हूं परम धाम अपने शिव बाबा के सामने। शिव बाबा से निकली हुई वो किरणें अपने अंदर अनुभव करते अब अपनी विघ्न विनाशक स्थिति में मैं साकार शरीर में लौट आता हूं। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन चुका हूं। मेरे जीवन में अब कोई भी विघ्न नहीं, क्योंकि शिव बाबा स्वयं मेरा साथी बना है। इसलिए कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विघ्न नहीं। मैं शिव शक्ति दुर्गा हूं। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं।
शिव बाबा का वरदानी हाथ और शक्तिशाली साथ अनुभव करते अब मैं कार्य करने के लिए तैयार हूं। ओम शांति।